ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରଜ ନଦୀ କୂଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଯେଉଁ ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼େ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରତୀ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଏଇଠି ହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥିଲା ରାମଙ୍କର। ଏଇଠି ନଦୀର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନଦୀ, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ମାଟି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଦୀର ଖାସ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ନଦୀର, ସରଜ ନଦୀର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରତୀ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି। महंजी नमस्ते। तो ये सरजू नदी में जो आरती होता है शाम के 10-11 मिनट से आरती होता है, लोगों का भीड़ होता है, क्या महत्व है इस नदी का? देखिए, इस नदी का महत्व, इसका नाम है सरजू नदी का महत्व। जल रूपेण ब्रह्मैवा सरजू मोह सदा सदा नात्रे उभोग कर्माणि राम रूपो भवन नरा। जल के स्वरूप में स्वयं ब्रह्म है। जन्म जन्मांतर कृतम पापम दर्शन मात्र विनश्यति। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप इनके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। और आरती का महत्व, जो सारे दुखों को हरण कर दे, उसका नाम है आरती। आरती जहाँ पे भी होती है वहाँ किसी प्रकार का कोई संकट या दुख निवास नहीं करता है, और जिस आदमी के ऊपर कोई संकट है उस दर्शन से नष्ट हो जाती हैं। कितनी बार ये आरती होते है, ये फिर हर रोज होता है ये आरती? प्रतिदिन होती है ये, बढ़ के इस समय 2132 की नित्य आरती हो रही है। और जब उत्सव महोत्सव, योगी जी, इन लोगों का आगमन, ये लोग आरती करते हैं, तो आरती 5100-11000 बत्ती की आरती होती है। तब दीपावली में ये शायद बड़ा ही होता है कुछ पर्व। दीपावली में तो इस बार करीब 22 लाख दीप ही जलाए गए, दीप उत्सव मनाया गया। रामायण में क्या महत्व है? इसमें रामायण में इसका महत्व ये है कि इसी दिन, दीपावली के दिन ही हमारे भगवान राम अयोध्या, लंका जीत करके अयोध्या वापस आए थे। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत सीता अनुसहित प्रभु आवत। ये जो है इसी दिन वो आए थे, और अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपावली घर घर दीप जलाया था, घर घर। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हो रहा है 22 जनवरी, इस बार भी पूरी अयोध्या का, पूरा भारत, हम तो यही आशा करते हैं कि पूरा भारत दीप उत्सव मनाएगा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की हो, सारे अयोध्या वासी अभी वो अपेक्षा कर रहे हैं, हम भी अपेक्षा कर रहे हैं। उस दिन ये आरती में कुछ बदलाव आएगा, कुछ नुआ? ये आरती भी उस दिन बदलाव कुछ जरूर होगा, सजावट की जाएगी, सरजू तट को भव्य सजावट की जाएगी, आरती का कार्यक्रम भी बढ़ाया जाएगा, प्रसाद भी वहाँ पर वितरण होगा। पुजारी ही सिर्फ ये करते हैं? ये पांच पुजारी। क्यों, ऐसा क्या, पांच में क्या ऐसा महत्व है? कि महत्व जितने अधिकाधिक कोई भी मंत्र का जाप किया जाए, जितने अधिक से अधिक हो जाएं, वही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो पांच पुजारी, पांच ब्राह्मण नित्य जो आरती करते हैं, सबके आशीर्वाद सबको फलीभूत होता है। क्या कहता है ये जो आरती होता है, कितने सालों से पुराने ये आरती किया जाता है यहाँ पर? देखिए, आरती तो यहाँ बहुत दिन से हो रही है, लेकिन इसका विस्तार बृहद स्वरूप 13/4/2013 से शुरू किया गया, बृहद स्वरूप इसका होना शुरू हुआ। और जब से योगी जी आए तब से इसका और बृहद स्वरूप हुआ। सरजू महोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव सरजू जी का भव्य मनाया जाता है। अयोध्या में बदलाव जो आ रही है, अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कुछ परिवर्तन होगा? यहाँ बहुत कुछ परिवर्तन हो गया और बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। रामराज जब तू आ गए, रामराज बैठे थे, लोका हर्षित भय गए सब शोका। तो अयोध्या का नाम लेने से लोग गुरेज करते थे, अयोध्या का नाम नहीं लेना लोग चाहते थे, अब अयोध्या आने के लिए लोग लालियत हैं। तो सब राम राम बोल ही रहे, राम राम बोल रहे हैं, पूरा सांसद में राम का नाम कौन लेना चाहता था? आज तो सांसद राम नाम से शुरू हो रहा है, हमारे स्कूल कॉलेज सब राम राम से शुरू हो रहे हैं। जो अयोध्या और भारत की मर्यादा थी वो अब कायम हो रही है। धन्यवाद मोहन जी, आपने इतने समय तक हमारे साथ आलोचना की। ये देखुले सरज नदी कूलर जो चित्र आम देखा, जो भाई भाव में आरती होखापाखि 10-15 मिनिट धरिकी ये सरज नदी कूल आरती हुए, नदी पूजा कराए, उपासना कराए, खास जमती कहते महंत जे ये लोकंर भिड़ बढ़े, जिते शीत हो, जिते जाड़ शीत हो, लोक कितु आसती प्रसाद पाते नदी को पूजा करते, कहीं रामायण से सरज नदी बेस महत्व रही है। और 2013 पर भव्य दीपावली दिन बेस भल भाव पूजा अर्चना कराए, एवं प्राण प्रतिष्ठा पाई एठी स्वतंत्र पूजा मध्य से दिन जनवरी 22 रे रहिबो। अयोध्यारु कैमरा पर्सन सुमन साहू के सह स्वप्नांजलि महांती, अर्गस न्यूज।
जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।